तो दोस्तों आज हम बात करेंगे REC के स्टॉक के बारे में। REC के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे हम। अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है ये हमको पिछले एक लंबे समय से यहाँ पर लगातार क्लियर अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। हमको स्टॉक में लगातार हाइयर हाई हाइयर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो स्टॉक है वो यहाँ पर लगातार अपने इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए ऊपर जा रहा है। स्टॉक ने मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर सपोर्ट लिया जिसके बाद हमको स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली है, लेकिन आज हमको यहाँ पर स्टॉक में 2.86% की यहाँ पर गिरावट भी देखने को मिली है। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि यहाँ पर गिरावट के बाद भी जो ये स्टॉक है वो यहाँ पर अपने सपोर्ट के ऊपर बना हुआ है, तो यहाँ से अभी अगेन हमको स्टॉक में रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। यहाँ से अगर अभी स्टॉक में रिकवरी आती है तो यहाँ से अब रिकवरी की कंडीशन में हमारे पास स्टॉक में 611 का पहला यहाँ पर रजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको भी यहाँ ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में 655, और अगर स्टॉक इसको भी यहाँ ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन एक बड़ी तेज़ी बड़ी बाइंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 700 देन यहाँ से हमको स्टॉक में 750 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में 800 और 850 तक के लेवल्स भी यहाँ से अभी देखने को मिल सकते हैं। वही यहाँ से अब अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ से अब गिरावट की कंडीशन में हमारे पास स्टॉक में 567 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको भी यहाँ ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में 535 और 501 तक के लेवल्स भी यहाँ से अभी देखने को मिल सकते हैं ऐसे नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। धन्यवाद।